जय हिंद साथियों। साथियों बात करेंगे बिहार पुलिस 21,391 पदों वाली जो ये भर्ती है इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैं कट ऑफ अभी रिटेन की बात नहीं करूंगा, मैं इससे पहले की जो भर्ती हुई है उसी के बारे में आपको चर्चा करूंगा। इससे कि पहले जो बिहार पुलिस की भर्ती थी वो 8,415 पदों की भर्ती थी और इसका भी मैं आपको रिटेन कट ऑफ के बारे में बात ना करके इसका फिजिकली कट ऑफ जो कि फिजिकली कट ऑफ ऑफिशियल आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है 21,391 पदों की। आप इस भर्ती में बहुत सारे अंतर होने वाले हैं। पहले एक घंटा पहले एग्जामों में नहीं घुसाया जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ वायरल होते भी थे। दूसरा चीज कि इसमें जंपिंग में जो टाइगर जंप था वो बैन नहीं था, लेकिन इस भर्ती में जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं जो टाइगर जंप होगा वो पूरे पूरी बैन है। इसमें आपको क्या होता था, गद्दा पे जंप मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको गद्दे पे जंप नहीं मिलेगा, आपको बालू में आपको जंपिंग करना होगा। बहुत अंतर है। इन सारी अंतरों को देखकर फिर भी मैं आप सभी को 8,415 की जो भर्ती हुई है इससे पहले वाली भर्ती और एक वीडियो इससे जो बड़ी भर्ती थी 11,880 पदों की जो भर्ती थी उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साथियों देखें कैसे आपका यदि रिजल्ट होता है तो कैसे आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। जब देखेंगे कि जब गद्दे पे जंपिंग हुआ, टाइगर जंप भी रहा, तो टाइम भी फिजिकल में काफी मिलाएगा। 11,880 की भर्ती की बात करूं या 8,415 भर्ती के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा इसका रिजल्ट थोड़ा बहुत विलंब से आया था, तो सारा डाटा निकाल के हमने रख लिया है और आज आपको दिखाएंगे कि क्यों इस भर्ती में जिन भाइयों का सिलेक्शन 5 गुना रिजल्ट होगा यानी 1,06,955 इतना तो रिजल्ट होगा, यदि रिजल्ट होता है बहुत ही कम आपका कट ऑफ जाने वाला। देखिए अभी तक कोई भी भर्ती होती है बोर्ड द्वारा कभी भी आपको रिटेन का कट ऑफ नहीं दिया जाता और इसकी हम लोग बार बार मांग भी करते आ रहे हैं कि कम से कम कट ऑफ दिया जाए, कार्बन पेपर दिया जाए, इससे भी धांधली रुकेगी और साथ ही साथ हमको जो हम एग्जाम में बैठते हैं जो भी हमको क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन हमको घर लेके जाए ताकि हम लोग मिला सके देख सके कि किस पैटर्न। हालांकि क्वेश्चन आखिर कहीं ना कहीं कुछ वायरल होता है तभी जाके आपको प्रीवियस ईयर के सेट क्वेश्चन मार्केट में दुकानों पर हर जगह ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं। तो साथियों हम अभी कैटेगरी वाइज देखेंगे, सारा देख लेंगे कि क्या कट ऑफ गया था और क्या इस भर्ती में कट ऑफ रहने वाला है। बहुत कम कट ऑफ जाएगा आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अभी बात कर रहे हैं 8,415 भर्ती के बारे में बात करेंगे। एक तरफ हम लिख लेंगे मेल, इधर लिख देते हैं आपको मेल, और दूसरे तरफ लिख लेंगे फीमेल। दूसरे ओर लिख दिए फीमेल। अब देखेंगे, हालांकि इतना जरूर जानिए जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ बिहार नहीं बल्कि हर भर्तियों में महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन कहीं ना बिहार पुलिस में थोड़े ज्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है। तो आपको देखेंगे जनरल लिख लेते हैं एक तरफ, यहाँ पर जनरल कैटेगरी का लिखते हैं और मेल और फीमेल, और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का भी लिख लेते हैं FFW लिख दिए हम फ्रीडम फाइटर का। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जनरल का जो कट ऑफ था मेल का वो 76 था। जनरल का कट ऑफ कितना था 8,415 भर्ती में? 76 था, सब कुछ अलाउ था, कोई सी भी चीज पे बैन नहीं था। ये था, ऐसा नहीं कि धांधली भी बहुत हुई थी, सोचिए कि दौड़ने वाले भी लड़के बहुत होंगे। 74 था फीमेल का और FFW का कट ऑफ था 58। कितना कट ऑफ था? 58 कट ऑफ था। अगला देखेंगे आपका हो जाएगा EWS का कट ऑफ देखेंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ से लिया गया था, EWS आपको 68 गया था, EWS 68
और इसका गया था 62, इसका गया 62 और फ्रीडम फाइटर का गया था 46। ये हो गया। अब ले लेते हैं आपको बीसी का, बीसी का कट ऑफ देखते हैं। बीसी का भी गया था 72 मेल का, और फीमेल का गया था 68 और फ्रीडम फाइटर में गया था 42 गया था। अब बात करते हैं ईबीसी, ईबीसी मेल का जो था वो था 72। देख लीजिए इस बार यही बहुत बड़ा फैक्टर हो गया था, सबके अनुमान यहाँ फेल हो गए थे, क्योंकि जितना बीसी का कटअप गया था उतना ही ईबीसी का मेल का गया था, और साथ ही साथ बीबीसी में महिलाओं का कटअप कम गया था, वो था आपको 60, वो 60 था, और फ्रीडम फाइटर में आपको 50 था, फ्रीडम फाइटर में 50 था। ये आप अभी कैटेगरी वाइज देख रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं फिर से एक बार इधर FFW, यहां मेल लिख देते हैं, यहां समझ जाएगा अब फीमेल। चलिए अब देखते हैं एससी का कट ऑफ, एससी का जो कट ऑफ था वो था 68, एससी का कट ऑफ था 68 मेल का, और फीमेल का था 46, और यहां फ्रीडम फाइटर में इसका सीट नहीं, ये नहीं होता, इसमें नहीं कोई था। एसटी, एसटी का होता है 60 मेल का, फीमेल का 50, और इसका कुछ नहीं होता है, फ्रीडम फाइटर में दो में नहीं फाइट था। आपको वो बीसी वुमेन होता है, यानी अत्यंत, इसमें सिर्फ महिला का होता है, अत्यंत महिला पिछड़ा वर्ग का होता है, जिसमें भी कट ऑफ चल गया था इसका 64, और इसमें भी फ्रीडम फाइटर में कोई नहीं होता है, ये खाली रहता है। अब आपको बताएंगे होम गार्ड, होम गार्ड का कट ऑफ गया था कितना, मेल का 42, मेल का 42, इसमें बीसी वोमेन में नहीं रहता है, सिर्फ महिलाओं के लिए रहता है 3% अत्यंत पिछड़ा महिला वर्ग के लिए। ये गया था आपको 42, और उसके बाद से फीमेल का गया था 46। होम गार्ड का ये कट ऑफ था, देख लीजिए आप कौन सी भर्ती में, 8415 की भर्ती में। नेक्स्ट, अब एक चीज बचा वो है गोरखा, गोरखा गोरखा का देखते हैं, गोरखा का गया था इसमें मेल का 46 और इसका गया था 42। होम गार्ड का भी आप देख लिए, एक बार पुनः पूरा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का आप कट ऑफ देखिए, मेल का 76, जहां टाइगर जंप कोई भी जंप कर सकते हैं, जहां एग्जाम में 1 घंटा पहले नहीं घुसना था, और कितना रिजल्ट हुआ था 84 से 15 में, ये भी डाटा आप सभी को मैं जल्दी से बताने जा रहा हूँ। 41,237 उम्मीदवारों को, 41,237 उम्मीदवारों को आरक्षण कोटिवार मेघानुक्रम अनुसार चयनित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आहूत किया गया, यानी फिजिकल के लिए इतने लोगों को रिजल्ट दिया गया था और बुलाया गया था। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 76, फीमेल का कट ऑफ गया था 74, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 68, महिला का था 62 और फ्रीडम फाइटर में 46, बीसी का 72, इधर था फीमेल का 68 और फिर फ्रीडम फाइटर में 42, ईबीसी का था 72 और फिर फीमेल का 60 और ये 50,
फिर अगले पेज में जाते हैं तो देखेंगे एससी का मेल का 68 था और महिला का जो था 46 था, और फ्रीडम फाइटर में एससी एसटी और अत्यंत पिछड़ा महिला वर्ग में भी किसी का नहीं होता है। तो एसटी का मेल का देखिए 60 और फीमेल का 50, अत्यंत पिछड़ा महिला वर्ग मतलब बीसी वुमेन का होता है 64, होमगार्ड एचजी यानी मेल का था 42 और ये 46, तो समझिए सब पास कर गए, खेला हो गया है। गोरखा का मेल का 46 था और महिला के 42 था। ये था पूरा लेखा जोखा एक भर्ती 84 से 15 का। तो साथियों जो भी टाइम बचा है 21,391 पदों की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके कट ऑफ में सोचिए कि ये कितनी छोटी एक भर्ती है, 84 से 15 की ये भर्ती, जहां पर कुछ भी बैन नहीं था, एक घंटा पहले नहीं एग्जाम में जाना था, क्वेश्चन भी मार्केट में व्हाट्सएप फेंकते थे, वो चीज तो अब खत्म ही हो जाएगा सारा चीज भर्ती में। आप देख रहे हैं अब आपको इसके बाद वाला जो वीडियो होगा ना 11,880, जैसे इस वीडियो को आप देखेंगे आपके अंदर एक नया जोश जग गया है, सोचिएगा कि नहीं यार सच में हमको पढ़ना चाहिए। जो भी टाइम अब आपके पास 27 दिन 28 दिन 29 दिन जो भी टाइम बचे हैं, जैसे ही देखेंगे कहेंगे नहीं दौड़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। और देखिए जो फिजिकल का रिटेन का कट ऑफ होता है वो बोर्ड द्वारा कभी भी जारी नहीं किया जाता है, सभी लोग अनुमानता लगाते हैं कि मेरा इतना सही था ये सही था तो रिजल्ट हुआ। तो 11,880 में भी मैं EWS कैटेगरी से फॉर्म डाला था तो उसमें मेरा 64-65 सही था तो फिर भी रिजल्ट हुआ, इसमें भी एग्जाम दिया इसमें भी रिजल्ट था 64-65 के अप्रोक्स में सही था, इससे ज्यादा नहीं सही था। तो यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ कुछ बहुत जो आदमी सोचता है कि 90 जाएगा ये जाएगा कहीं कुछ नहीं जाता है, यदि आप 70-72 के करीब में आप लगाते हो जनरल कैटेगरी वाले तो किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा। EWS 60-65 काफी है, हाँ जहां रहा OBC के बाद तो थोड़ा सा EWS से कट ऑफ उसका ज्यादा रहेगा, EBC और EWS का कट ऑफ अप्रोक्स में रहता है, वही महिलाओं का कट ऑफ तो बहुत कम आ जाएगा, महिला जनरल के कट ऑफ 60-62 के करीब। मैं रिटेन के कट ऑफ के बारे में ये जो बातें भी एनालिसिस कर रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, तो वो 60+ मार रही है आराम से हो जाएगा, बहुत होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में पहले इसके बारे में समझाऊंगा, उसके बाद पूरा ये ढांचा निकालने के बाद पूरा ये निचोड़ निकालने के बाद फिर आपको 21,391 पदों का जो मुख्य एकदम सही और सटीक कट ऑफ रहेगा वो आपके बीच आएगा, और आप देखिएगा कि वही उतना जल्दी आप सही कर पाते एग्जाम में आपका फाइनली रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर इंतजार करें, मिलेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम।